दुनिया भर में देखा गया सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, धीरे धीरे पूरी तरह लाल हुआ चांद। रात करीब 11:54 पर शुरू हुआ चंद्र ग्रहण, सुबह 3:49 पर हुआ खत्म। दुनिया भर में दिखा चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा, दक्षिण अफ्रीका में दूधिया रंग में चमकता दिखा चांद। 21वीं सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण से चमक उठा ऑस्ट्रेलिया का आसमान, देखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सिडनी हार्बर ब्रिज पर इकट्ठा हुए लोग। ग्रीस के सेंटोरिनी में केप सोनियन की पहाड़ियों के पीछे से निकला चांद, मौजूदा पीढ़ी ने देखा अद्भुत संयोग। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद वाराणसी में गंगा किनारे उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लगाई आस्था की डुबकी। आज ही शुरू हुआ सावन का महीना, बम बम भोले पर जल चढ़ाने उमड़े भक्त। इलाहाबाद के संगम तट पर भी उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, ग्रहण खत्म होते ही शुरू हो गया स्नान। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी तादाद में उमड़े श्रद्धालु। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, महाकाल मंदिर में हुई भस्म आरती। 3 अफ्रीकी देशों का दौरा कर भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में भी लिया था हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी की आज से 2 दिन का यूपी दौरा, लखनऊ में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सड़कों पर नमाज और अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भड़के राज ठाकरे, पूछा आस्था के सार्वजनिक प्रदर्शन का क्या मतलब। करुणानिधि की तबियत बिगड़ी, चेन्नई के अस्पताल में शिफ्ट किए गए, डीएम के सुप्रीमो बाहर लगा प्रशंसकों का जमावड़ा। आज पटना में आरजेडी की एनडीए भगाओ बेटी बचाओ यात्रा, तेजस्वी यादव संभालेंगे कमान। फिर शुरू हुई 3rd मोर्चे की सुगबुगाहट, ममता ने कोलकाता में बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक। दिल्ली में युवाओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी कांग्रेस पार्टी, D4 नाम से शुरू किया गया नया कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुरीद हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा सदन में माफी मांगकर गडकरी ने दिखाया बड़प्पन। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को दी मानहानि के एक मुकदमे की चेतावनी, बोले देशद्रोह के आरोप को करे साबित या फिर मांगे माफी। केजरीवाल के खिलाफ पंजाब के 9 आप विधायकों की बगावत, सुखपाल खेरा को नेता विपक्ष पद से हटाने का किया विरोध। नोएडा और गाजियाबाद में इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी, गाजियाबाद के कोड़ा में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत। इमारत के पिलर में दरार आने से हुआ हादसा, एनडीआरएफ मलबा हटाने में जुटी, स्थानीय सांसद वीके सिंह ने किया घटनास्थल का दौरा। लखनऊ में नाबालिग लड़की से गैंग रेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर मिल की टिन शेड टूटने से 2 कर्मचारी मलबे में दबे, 1 की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार, सिपाही भी घायल। दिल्ली सटे नोएडा में पैसे लेकर एमबीबीएस में दाखिला कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में व्यापारी के 2.5 लाख की लूट, हथियार और लूट के पैसों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नकली शराब बनाने के ठिकाने पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा, लड़की समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सटे फरीदाबाद में पुलिस के जवान की शर्मनाक करतूत, कैंसर पीड़ित महिला को धमकी देकर 3 साल तक कर रहा था रेप। यूपी के बस्ती में दिखी दबंगों की गुंडे, लाठी डंडों से तोड़ा गरीब परिवार का छप्पर, पुलिस ने दर्ज किया केस। हिमाचल के शिमला में पानी ने मचाया प्रलय, सैलाब में खिलौने की तरह बह गई कार। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से तबाही, नेशनल हाईवे पर आया पत्थरों और पानी का सैलाब।
मूसलाधार बारिश से मंडी जिले के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, पानी से लबालब नदियां और नाले। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, पानी में डूबे मंदिरों के घाट। यूपी के अमरोहा में भारी बारिश के बाद गिरी प्राइमरी स्कूल की इमारत, जर्जर हालत में थी इमारत। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश, सड़कों पर आया पानी का सैलाब। यूपी के शामली में भी मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, नदी में तब्दील हुई सड़कें। गाजियाबाद में आफत बनी मूसलाधार बारिश, कॉलोनियों में भरा कई फीट तक पानी। यूपी के कासगंज में जानलेवा साबित हुई बारिश, निर्माणाधीन इंदिरा आवास ढह जाने से 3 मासूम बच्चों की मौत। धनबाद में बारिश ने मचाई तबाही, 500 ज्यादा परिवार हुए बेघर। जेम्सफोर्ड में भारत और एसेक्स के बीच प्रैक्टिस मैच, तीसरे दिन ड्रॉ, दूसरी पारी में भारत ने बनाए 2 विकेट पर 89 रन। भारत ने 359 रनों के जवाब में एसेक्स ने पहली पारी में 8 विकेट पर 359 रन बनाकर की घोषित, उमेश यादव को 4 और ईशांत शर्मा को 3 विकेट मिले। प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप रहे शिखर धवन, दोनों पारियों में 0 पर हुए आउट। स्पिनर आदिल रशीद की भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में चुने जाने की पूर्व कप्तान माइकल वॉन और नासिर हुसैन ने की आलोचना, यान बाथम ने किया रशीद का बचाव। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बोले ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ग्लेन मैकग्रा का बयान, कोहली की कप्तानी और बल्लेबाजी की होगी परीक्षा। शिकागो में एक छोटा विमान सड़क पर उतरा, ट्रैफिक ठप, तकनीकी दिक्कतों के बाद पायलट ने मजबूरी में कराई लैंडिंग। भारी बारिश के बाद कोलंबिया में नदियों ने शहर में मचाई तबाही, बाढ़ के दौरान दीवार गिरने से 1 की मौत, 19 घायल। उत्तरी कैलिफोर्निया में आग बुझाने वाले 2 कर्मचारियों की मौत, जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान गई जान। उत्तरी इंग्लैंड में गर्मी से मिली राहत, भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद तापमान में गिरावट। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में हुए चुनावों के निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा सारी पार्टियों के लिए हालात बराबर नहीं थे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।